दोस्तों अभी पूरे भारत में CBSE बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एग्जाम तो दिया ही होगा। जब आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो साथ में बुक लेके जाना अलाउ नहीं है। अगर परीक्षा में कोई बुक की हेल्प लेता है तो उसे चीटर कहा जाता है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो एग्जाम पास करने के लिए नकल पर आश्रित रहते हैं और परीक्षा से पहले रात भर जग के फर्रे बनाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि अब से आपको फर्रे बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम आपसे कहें कि अब से आप एग्जाम में पूरी की पूरी किताब अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो ये खबर सुन के आप जरूर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओपन बुक एग्जाम की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। कभी पुस्तकों का पाठ्यक्रम चेंज हो जाता है तो कभी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जाता है। हाल ही में CBSE एग्जाम्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि CBSE बोर्ड बहुत जल्द ओपन बुक एग्जाम सिस्टम लागू करने वाला है। अब जल्दी ही CBSE बोर्ड की परीक्षाएं ओपन बुक से होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये ओपन बुक एग्जाम क्या है। ओपन बुक एग्जाम यानी किताब खोलकर परीक्षा देना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ओपन बुक एग्जाम सिस्टम की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ओपन बुक सिस्टम लागू होने से कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। दोस्तों, सामान्य तौर पर परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड के अलावा किसी भी तरह का पेपर ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ओपन बुक एग्जाम में छात्र अपने साथ कॉपी किताब, स्टडी मटेरियल और नोट्स लेकर परीक्षा में बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, परीक्षा में पूछे गए सवालों का जवाब भी किताब में से ढूंढ कर लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, CBSE बोर्ड अपने अधीन पढ़ रहे छात्रों को परीक्षा में किताबें और नोट्स लेकर जाने की परमिशन देने वाला है, और यह नियम CBSE बोर्ड की 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों पर लागू होगा। लेकिन उससे पहले CBSE इसी साल नवंबर में ओपन बुक एग्जाम के लिए ट्रायल टेस्ट चलाएगी। इसी साल नवंबर में कक्षा 9 से लेकर 12 के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए ओपन बुक एग्जाम करवाए जाएंगे। अगर यह ट्रायल सफल रहता है तो अगले साल से CBSE बोर्ड के सभी स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का नियम लागू कर दिया जाएगा। ये खबर सुनकर उन छात्रों को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी जो परीक्षा पास करने के लिए नकल पर ही डिपेंड रहते हैं और परीक्षा से पहले रात भर जग के फर्रे बनाते हैं। उन्हें लग रहा होगा कि अब उन्हें फर्रे बनाने से आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि अब तो एग्जाम में पूरी की पूरी किताब लेकर जाएंगे और किताब से देखकर हर सवाल का जवाब लिख ही देंगे। लेकिन आपको यह जानकर थोड़ा धक्का लगेगा कि ओपन बुक एग्जाम इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ओपन बुक एग्जाम कन्वेंशनल एग्जाम सिस्टम से ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम में सवाल भी इसी तरह से पूछे जाते हैं जिससे स्टूडेंट की एनालिटिकल एबिलिटी का पता लग सके। कन्वेंशनल एग्जाम सिस्टम में अगर कोई छात्र किताब से रटकर सेम टू सेम जवाब लिख देता है तो उसके ज्यादा नंबर आते हैं। लेकिन ओपन बुक एग्जाम में कोई छात्र अगर किताब से रटकर सेम टू सेम जवाब लिखता है तो उसको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। ओपन बुक एग्जाम में किताब से आइडिया लेकर अपने तरीके से जवाब लिखना पड़ेगा, तभी ज्यादा नंबर मिलेंगे। ओपन बुक एग्जाम में इस बात पर नंबर मिलते हैं कि किताब से आइडिया लेकर छात्र ने सवाल का जवाब देते हुए अपनी बुद्धि का कितना इस्तेमाल किया। क्लोज बुक एग्जाम में छात्रों की याद रखने की क्षमता को परखा जाता है, जबकि ओपन बुक एग्जाम में छात्रों की क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स को परखा जाता है। इस एग्जाम सिस्टम में छात्रों को किताब खोलकर जवाब लिखने की आज़ादी तो मिलती है, लेकिन किताब के साथ दिमाग खोलकर परीक्षा देना भी जरूरी होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ओपन बुक एग्जाम इतना आसान नहीं है जितना इसका नाम सुनकर लगता है। दोस्तों, इस एग्जाम सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ओपन बुक एग्जाम्स का मकसद क्या है और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, ओपन बुक एग्जाम का मकसद छात्रों की क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्रूव करना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओपन बुक एग्जाम में छात्र रटा मारने की बजाय सब्जेक्ट को गहराई से समझने पर फोकस करेंगे। ओपन बुक एग्जाम से छात्रों के स्ट्रेस लेवल में कमी आएगी, क्योंकि एग्जाम के समय स्टडी मटेरियल साथ में होने से स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। इस एग्जाम से छात्रों की नए तरीके से सोचने और क्रिएटिव तरीके से जवाब देने की क्षमता का विकास होगा, और इससे नकल की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इस एग्जाम में स्टूडेंट्स के सामने बुक तो मौजूद रहेगी लेकिन फिर भी वे उसकी नकल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हर सिक्के के दो साइड होते हैं। ओपन बुक एग्जाम कराने के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओपन बुक एग्जाम से छात्रों को पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो परीक्षाओं को हल्के में ले लेंगे। ओपन बुक एग्जाम्स छात्रों के लिए तो कठिन होते ही हैं, बल्कि टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि उन्हें हर छात्र के उत्तरों का गहरा विश्लेषण करना होगा।
एग्जाम पेपर्स को इस तरह से सेट करना पड़ेगा जिससे छात्रों को सवाल का जवाब देने में अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़े। ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सेट करना भी एक बड़ा चैलेंज वाला काम होगा। ओपन बुक एग्जाम का नियम लागू करने में कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। आपको बता दें कि ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। साल 2019 में AICTE ने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ओपन बुक एग्जाम सिस्टम शुरू किया था। साल 2014 में भी CBSE बोर्ड ने ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट का ट्रायल किया था। यहां तक कि IIT दिल्ली, IIT इंदौर और IIT बॉम्बे भी ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम्स कंडक्ट करती है। ओपन बुक एग्जाम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी कंडक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।